हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू हेल्थियर। डेंगू बीमारी से हर साल बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। डेंगू की बीमारी को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए हर साल डेंगू से बचने के सुझाव दिए जाते हैं। अब तक तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि स्थिर पानी मच्छरों के लिए एक प्रजनन भूमि प्रदान करता है, जिसके चलते डेंगू और अधिक फैलता है। अगर आप डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप पूरी तरह से ठीक होने के लिए बहुत सावधानी बरतें, जिसमें मुख्य भूमिका निभाता है हमारा आहार। इस बीमारी से तेजी से उभरने के लिए सही डाइट और सही दवाई आपको जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करेंगी। साथ ही डॉक्टर हमें खूब तरल पदार्थ पीने की सलाह देते हैं। इससे पहले के एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेंगू के मरीज अपनी डाइट में कौन से खाद्य पदार्थ शामिल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आइए आज के इस वीडियो में नजर डालते हैं उन तरल पदार्थों पर जो डेंगू के मरीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जल्दी रिकवरी के लिए। आइए देखते हैं डेंगू के दौरान कौन से लिक्विड या पेय पदार्थ आप ले सकते हैं। डेंगू के रोगियों को तरल पदार्थ दिए जा सकते हैं जो हेल्दी होने के साथ साथ आसानी से पचने वाले हों, जैसे कि नारियल पानी, कोकोनट वाटर। यह आवश्यक पोषक तत्वों और ऊर्जा से भरपूर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वादिष्ट ड्रिंक है। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स का एक समृद्ध स्रोत है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें मौजूद केमिकल कंपाउंड पेट की परेशानियों को दूर करने में बहुत सक्षम है। यही नहीं, नारियल पानी का सेवन करने से थकान दूर होती है। डेंगू के मरीज दिन भर में 2 से 3 नारियल पानी पी सकते हैं। पपीते के पत्तों का अर्क यानी कि पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। हम सभी जानते हैं कि पपीते का फल बहुत हेल्दी और पौष्टिक होता है। डेंगू के इलाज में पपीते के पत्ते भी बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल रसायन होते हैं जो शरीर से हानिकारक वायरस रोगाणुओं को खत्म करने में मदद करते हैं। डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट काउंट में कमी एक चिंताजनक विषय है। पपीते की पत्ती का अर्क प्लेटलेट काउंट को नेचुरली बढ़ाने में मदद करता है। जब प्लेटलेट काउंट बढ़ता है तो इम्यूनिटी अपने सामान्य स्तर पर वापस आ जाती है और रोगी को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। इसके लिए आप 1 कप पपीते के पत्ते ले लीजिए, ओखली और मूसल के जरिए इसे पीस कर इसका जूस निकाल लीजिए। प्लेटलेट्स कम होने की स्थिति में आप रोजाना 3 बार 2 बड़े चम्मच पपीते के पत्ते का जूस दे सकते हैं। आजकल केमिस्ट की दुकान में भी पपीते के पत्तों का रस मिलने लगा है। तुलसी की चाय। तुलसी हम सभी के घर में आसानी से मिल जाती है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं जो डेंगू के सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं। तुलसी की पत्तियों से तैयार की गई चाय न केवल हमें हाइड्रेटेड करती है, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी ठीक से फंक्शन करने में मदद करती है। तुलसी की चाय तैयार करने के लिए आप 1 कप पानी में 5 से 6 तुलसी के पत्ते उबाल लें और ठंडा होने पर इसका सेवन करें। अगर आपको तुलसी की चाय अच्छी नहीं लगती है तो आप कच्ची तुलसी की पत्तियां ही मुंह में डालकर रख सकते हैं, आपको इससे भी फायदा होगा। लेकिन यदि आप इसका चाय के रूप में सेवन करते हैं तो इसके फायदों के साथ साथ आपके शरीर में लिक्विड भी पहुंचता है जो आपके लिए लाभकारी होता है। सब्जियों का रस यानी कि वेजिटेबल जूस। क्योंकि डेंगू के रोगी को बुखार के दौरान ठोस भोजन पचाने में कठिनाई महसूस होती है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें सब्जियों का रस दिया जा सकता है जो आसानी से पचने योग्य भी होता है। साथ ही उनमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण डिहाइड्रेशन को कम करने में भी मदद मिलती है। इसके लिए आप गाजर और चुकंदर का जूस पी सकते हैं। 1 ग्लास गाजर के जूस में आप 3 से 4 बड़ी चम्मच चुकंदर का जूस मिलाकर इसका सेवन करें। ऐसा करने से तेजी से प्लेटलेट काउंट बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा 1 ग्लास कद्दू के जूस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से भी प्लेटलेट तेजी से बढ़ने लगता है। नींबू पानी, लेमन जूस। यह पाचन को बढ़ाता है और लीवर को ठीक से फंक्शन करने में भी मदद करता है। जब भी थकान महसूस हो रही हो तो 1 ग्लास नींबू पानी पीने से तुरंत एनर्जेटिक फील होता है। 1 ग्लास पानी में नींबू का रस और स्वाद अनुसार शक्कर डालकर इसमें चुटकी भर नमक मिलाकर तुरंत इस ड्रिंक का सेवन करें। आप दिन भर में 1 से 2 ग्लास नींबू पानी पी सकते हैं। संतरे का रस यानी कि ऑरेंज जूस। नींबू के रस के तरह ही संतरे का रस भी एनर्जी बूस्टर है जो थकान को कम करने में मदद करता है। बहुत ज्यादा थकान महसूस हो तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। आंवले का जूस। आंवले में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है और टॉयलेट के माध्यम से वायरस को बाहर निकालता है।
यही नहीं, आंवले का जूस आवश्यक पोषक तत्वों को बढ़ावा देता है। बीज को निकालकर आप आंवले को मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर पीस लें और इसके जूस का सेवन करें। अनार का रस यानी कि पोमेग्रेनेट जूस, यह एक पोषण तत्वों से भरपूर रस है और हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। डेंगू के दौरान व्यक्ति एनर्जी लेस और थका हुआ महसूस करता है, ऐसे में अनार का जूस पीने से उन्हें एनर्जी मिलती है। साथ ही यह पेट में गड़बड़ी को खत्म करने में भी मददगार होता है। यही नहीं, इस जूस को पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर बनता है। इसके लिए आप एक अनार के दानों को आधा ग्लास पानी में मिलाकर ब्लेंड करके इसका रस तैयार कर लें। दिन भर में आप एक से दो बार तक इसका सेवन कर सकते हैं। सूप, डेंगू के मरीज ठीक से भोजन नहीं खा पाते हैं, साथ ही उनके मुंह का स्वाद भी बहुत खराब हो जाता है। ऐसे में आप उन्हें मिक्स्ड वेजिटेबल्स और मकई से तैयार किया गया गर्म सूप दें। इससे मुंह का स्वाद भी अच्छा होता है, शरीर में पौष्टिक आहार पहुंचता है और लंबे समय तक उनका पेट भी भरा रहेगा। अन्य प्रकार के तरल पदार्थ जो डेंगू के मरीज ले सकते हैं, ग्लूकोज का पानी, अदरक की चाय और अन्य हर्बल चाय भी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और रोग से लड़ने के साथ साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। पानी से भरपूर फल अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, अमरूद और पपीता। खूब सारा पानी पिएं और अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेटेड रखें। इसके अलावा आप चाहें तो 2 लीटर पानी में 1 चम्मच जीरा डालकर उसे अच्छे से उबाल लें और ठंडा होने पर जब भी प्यास लगे आप इस पानी का सेवन करें। इस जीरा वाले पानी का सेवन करने से टॉयलेट के माध्यम से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएंगे और आपकी सेहत भी बेहतर बनेगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो सहायक और जानकारीपूर्ण लगा है, तो कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।